इन दिस लैब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीआईडी कंट्रोलर, और पीआईडी कंट्रोलर को मैट लैब में हम कैसे यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो कंसिडर के वी हैव अ प्लांट, क्योंकि हम किस चीज़ को हमेशा कंट्रोल करते हैं, हम हमेशा एक प्लांट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो कंसिडर करें कि हमारे पास एक सिग्नल है जो कि हमने इनपुट पर दिया, और हम चाह रहे हैं कि उससे जो आउटपुट आए वो हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट हो, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड आउटपुट है हमें वो चाहिए वो आ जाए, ठीक है। तो जो भी हम इनपुट सिग्नल देंगे, ठीक है, जो भी प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, ठीक है, उसकी डिफरेंट नेम्स होते हैं, और डिफरेंट कंपनियाँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज को डिफरेंट नाम से पुकारती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक के इनपुट सिग्नल को कमांड वेरिएबल भी कह सकते हैं, सेट पॉइंट भी कह सकते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। और प्लांट हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा वो सिस्टम है जिसको हमने कंट्रोल करना है, ठीक है, और उसके बाद हमें एक रिक्वायर्ड हमारा आउटपुट भी आएगा। अच्छा, अब ये सब करना कैसे है, ठीक है। लेट सपोज कंसीडर करें कि आप प्रेशर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई प्लांट है जिसके ना आपका जो सारा का सारा काम जो है वो प्रेशर के ऊपर है, ठीक है। आपने आपको रिक्वायर्ड है कि आपका जो प्रेशर हो या आपका सेट पॉइंट आपका जो फाइनल प्रेशर हो वो हो 200 PSI, ठीक है, 200 PSI हो। तो आपने क्या किया, सेट पॉइंट के ऊपर दे दिया आपने 200 PSI, ठीक है जी, 200 PSI आपने सेट पॉइंट पे दे दिए, या एक्चुएटिंग सिग्नल आपने 200 PSI का दे दिया। बट द थिंग इज, जब वो प्लांट में से गुजरा सिगनल, तो जाहिर सी बात है उसके ना कुछ लॉसेस हो सकते हैं या कुछ ना कुछ गेन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है जो कि हमें रिक्वायर था 200 PSI वो नहीं आया, 180 आ गया या 220 आ गया। कंसीडर करें वो 180 आ गया, अगर वो 180 आ गया तो हमारे पास जो एरर जनरेट हुआ वो क्या हुआ, वो 20 का एरर जनरेट हो गया, ठीक है ना, 20 का एरर जनरेट हो गया हमारे पास, मतलब 20 हमें रिक्वायर्ड था 200 PSI पर आ रहा है हमारे पास 180 PSI, ठीक है जी। तो हम जो हमें अचीव करना था वो अचीव नहीं कर सके हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वहीं से एक फीडबैक सिस्टम जनरेट किया, एक फीडबैक पाथ बनाया हमने, ठीक है। फीडबैक पाथ जब उस कमांड वेरिएबल से उसने आपको कंपेयर किया, तो आउटपुट है हमारा 180, इनपुट है हमारा सेट पॉइंट 200, तो एरर कितने का हो गया, 20 का हो गया, तो एरर टर्म यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास ये एरर हो जाएगा। अच्छा, अब हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल दिस एरर, ठीक है, अब इस एरर को हमें कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कंट्रोलर लगाना पड़ेगा उस जगह पर, ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज सम कंट्रोलर। अब एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। कंसीडर करें एक फुटबॉलर है, ठीक है, और एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर वो फ्रॉम वन साइड से उसने स्टार्ट करेगा, वो उसको मिड पॉइंट पे जाना है, ठीक है, और मिड पॉइंट जो है डिस्टेंस जो है फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द मिड पॉइंट वो होगा डिस्टेंस 50 meters, ठीक है जी। तो आपने क्या कहा कि फील्ड लोकेशन क्या है, मिड पॉइंट आपकी क्या है, फील्ड लोकेशन हो गई, ठीक है, वो है 50 meters अवे। और जब वो भागने स्टार्ट किया तो उसका जो माइंड होगा वो क्या ऐसा क्या काम करेगा, वो बेसिकली एक कंट्रोलर की काम करेगा, आपका जो माइंड होगा वो कंट्रोलर की तरह काम करेगा, और वो बताएगा कि आपने इस स्पीड के साथ भागना है, ठीक है। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर है 0 meters के ऊपर है और उसकी डेस्टिनेशन 50 meters है, तो एरर कितना होगा, 50 minus 0, 50 का एरर होगा जनरेट, ठीक है। और आपका माइंड ये कह रहा है कि अगर आप एक कॉन्स्टेंट 0.1 की स्पीड से अगर करो, मतलब 0.1 की स्पीड आप एक लाइक मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट वैल्यू मैंने दे दी है, ठीक है, 0.1 मेरे माइंड ने बताई मुझे, ठीक है, इस स्पीड को अगर मैं एरर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इस कॉन्स्टेंट को, इस के पी को अगर मैं एरर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास एक स्पीड आएगी जिस स्पीड के ऊपर मैं मतलब वॉकिंग करूँगा मैं, ठीक है जी। और प्लांट क्या है, प्लांट मैं खुद हूँ, ठीक है। अब कंसीडर करें 0.1 को अगर मैं 50 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है, 5 meters per second, ठीक है जी। और जैसे जैसे मैं फील्ड के करीब होता जाऊँगा, ये 50 क्या होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, मीन्स में एरर कम होता जाएगा। तो जैसे 0.1 अगर मल्टीप्लाई करेगा 40 से तो क्या हो जाएगा, 4 meters per second, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जैसे जैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुँचता जाऊँगा मेरा एरर भी कम होता जाएगा और मेरी वॉकिंग स्पीड भी कम होती जाएगी। इज इट क्लियर। यहाँ पे छोटे छोटे ग्राफ हैं, ठीक है जी, इन दो ग्राफ से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ आ रहा है और यहाँ पे वॉकिंग स्पीड वर्सेस टाइम है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट एक रखा है 0.1 का, 0.1 उससे 50 से मल्टीप्लाई होता है 5 meters per second। अगर ये 0.1 के 0.2 हो तो क्या होगा, मेरी वॉकिंग स्पीड बढ़ जाएगी और जो टाइम
जिस टाइम में मैं पहुंच रहा था वो टाइम कम हो जाएगा, ऐसे ही ना। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरा एरर कम होता गया वैसे वैसे मेरी स्पीड भी कम होती जाएगी, ठीक है, और मैं फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊँगा फाइनली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, अच्छा यहाँ पे केपी 0.1 था, उसके हिसाब से मेरी 5 मीटर पर सेकंड बन रही थी। अगर मैं केपी की अपनी वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो 10 मीटर पर सेकंड बन गई, और उसके मुताबिक अगर मेरी वॉकिंग स्पीड जो है बढ़ चुकी है तो टाइम कम हो जाएगा मेरा, ठीक है। वॉकिंग स्पीड वर्सेस टाइम, देखिए जितनी ज़्यादा वॉकिंग स्पीड होगी उतना टाइम कम होता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी जहाँ पे पी कंट्रोलर यूज़ करके मैं अचीव कर सकता हूँ अपने गोल्स, ठीक है जी। सिर्फ सिंपल पी कंट्रोलर से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकता हूँ मैं, ऐसे ही है।